So, आज का हमारा जो प्लान एक 20x45 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया है। So, चलते हैं प्लान की तरफ और देखते हैं उसको डिटेल में। So, ये हमारा आज का प्लान है। इसमें हमारी इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 45 फीट की है। फर्स्ट हमने यहाँ पे एक पार्किंग प्रोवाइड किया हुआ है जिसको हमने गैरेज से डिनोट किया हुआ है। इस पार्किंग का जो हमारा साइज है वो 9 फीट बाय 17 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 17 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर जो कि हमारा लिविंग रूम है। इस ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट का होगा। इसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। यहाँ ड्राइंग रूम में ही हमने एक टॉयलेट प्रोवाइड किया हुआ है जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट बात होगा। इसका जो हमारा साइज है वो 7 फीट बाय 4 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पर हमने एक डोर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ डोर से हम एंटर करेंगे हमारे पैसेज एरिया के अंदर। इस पैसेज में हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी। 3 फीट वाइड हमारी ये स्टेयर्स। यहाँ से हमारी स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। यहाँ स्टेयर्स के नीचे का पोर्शन जो हम डाइनिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। देन इस पोर्शन में हमने किचन एरिया प्रोवाइड किया हुआ है। इस किचन का जो हमारा साइज है वो 7 फीट बाय 10 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट 6 इंचेस बाय 12 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 9 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होगी। हमारा फर्स्ट बेडरूम जो है एक मास्टर बेडरूम है। इसमें हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज है वो 6 फीट बाय 4 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ इसी बेडरूम से हमने एक डोर प्रोवाइड किया जिसको हम वॉश एरिया को एक्सेस करेंगे जिसको आप एज ए यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं। इस वॉश एरिया का जो हमारा साइज है वो 6 फीट बाय 4 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा सेम 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम भी जो हमारा एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 9 फीट बाय 12 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस बेडरूम से भी अटैच हमने एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका भी साइज हमारा सेम होगा 6 फीट बाय 4 फीट का। जिसमें कि हमारा 6 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जो हमारा मेन डोर है जिसको हमने D से डिनोट किया हुआ है, इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज है वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D2 से डिनोट किया हुआ है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज है वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हुए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज है वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया हुआ है, जो हमारे WCN बात की विंडोज हैं, इनका जो हमारा साइज है वो 1 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया है वो 900 स्क्वायर फीट का होगा। एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10-12 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस।
सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 20 बाय 45 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने 2 BHK प्लान किया था।